हम लोग अब ले वाले हाईवे पे आ गए, अब बर्फ हमारे साथ में है, सड़क के किनारे बर्फ दिख रहा है हर जगह हर थोड़ी दूर पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये बर्फ के से ढकी हुई पहाड़ी जो है हमारे नजदीक आते जा रही है, बिल्कुल हमारे बगल बगल में लग रहा है जैसे हम नजदीक आ गया है। सामने भी पहाड़ दिख रहा है, साइड में भी पहाड़ दिख रहा है, बर्फ ढकी हुई चोटियां। और बाहर से अब हवा भी काफी ठंडी आ रही है। ऊपर की तरफ जाना, ऊपर से गाड़ियां आती हुई दिख रही हैं और ऊपर बर्फ भी है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लगता है जल्दी हम बर्फ देख पाएंगे। मैंने नेविगेशन में मनाली हटा के अटल टनल डाल दिया है। मनाली यहाँ से कोई 15-20 किलोमीटर दिख रहा है और 20-22-25 मिनट का रास्ता था, और अटल टनल 1.25 घंटे का रास्ता दिख रहा है, 42 किलोमीटर। अभी भी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम अटल टनल क्रॉस कर जाऊँ। शिशु पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक, क्योंकि वहाँ पर अभी मेरी बात हुई मेरी टूर ऑपरेटर से जो मेरा आइटनरी डिज़ाइन करती है मैडम से, उन्होंने कहा कि उधर ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा है, शाम के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक आइस है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार अटल टनल क्रॉस करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे जहाँ तक ब्लैक आइस नहीं मिले, और अगर ठीक ठाक रहा तो फिर वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक ठीक ठाक रास्ता है और फिर वापस ले लेंगे। कोई रिस्क नहीं लेना है इसलिए। अब यहाँ से ना फील आ रहा है कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, धीरे 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 गाड़ी की स्पीड जो है वो स्लो हो रही है। गियर अगर आप 5 से पे हैं तो 4 लगाना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि अभी और पहाड़ी चढ़ेंगे और चढ़ाई और चढ़ेंगे। लेकिन जो मजेदार बात है वो ये कि बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ जो है वो बिल्कुल नजदीक नजदीक होती जा रही है। ऐसे जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ जो है बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है। पीछे एक जगह लिखा हुआ था गर्म कपड़ों पे सस्ती सेल, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। यार इस वाली जगह पे ना मेरा थोड़ा सा, मेरी सोच ये है कि नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत है, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे सामने आप बर्फ की, बर्फ के सारे पहाड़ देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सामने खुली आंखों से देखना। पता नहीं कैमरे में कैसा नजर आ रहा है, लेकिन हाँ खुली आंखों से बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन जो मुझे है ना कि क्राउड भी है साथ में, आसपास जो है काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई है, होटल्स है, लोग दिख रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, तो वो जो है ना, वो जो एक फील चाहिए रॉ नेचर वाला, वो वाला फील अभी तक मिला नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैं आगे जैसे भी होगा मिलेगा, इसलिए भी और मैं लाहौल की तरफ बढ़ना चाहता था, जाना चाहता था। मॉल रोड मनाली जाने का रास्ता अभी हमारी तरफ आया था लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमने छोड़ दिया है और हम सीधा लाहौल की तरफ बढ़ रहे हैं, शिशु की तरफ, और बेसिकली अटल टनल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमारे को अलाउ किया गया तो हम आज ही जाएंगे आगे, और नहीं अलाउ किया गया तो वहाँ से वापस लेंगे, या जहाँ पर भी हमारे को लगेगा कि वापस लेना है वापस ले लेंगे। लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीधा सीधा आगे बढ़ता जाऊँ। शाम के बज रहे हैं, 3:35 हो रहा है, 4:30-5 के बाद सनसेट होता है नॉर्मली, और ब्लैक आइस जो है वो 4:30 के बाद ज़्यादा फॉर्म होती है। खैर देखते हैं क्या रहता है। हम लोग अब लेह वाले हाईवे पे आ गए हैं, और अटल टनल यहाँ से कोई 24 किलोमीटर और है, और धीरे धीरे हम मनाली जो है क्रॉस कर रहे हैं, और मनाली करीब करीब बहुत सारा कुछ क्रॉस कर भी लिया है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रिवर बेल्ट है, और सामने बर्फ की पहाड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत लग रही है।
और ये धीरे धीरे नजदीक पे नजदीक आता जा रहा है। यहाँ से रोहतांग 51 किलोमीटर है, अब हाइट हम लोग वापस से हाइट पे आने लगे हैं और बर्फ की जो पहाड़ी है कुछ कुछ हमारे पैरेलल भी दिखना शुरू हो गया है, लेकिन रास्ते खतरनाक है, घुमावदार रास्ते हैं। अब बर्फ हमारे साथ में है, सड़क के किनारे बर्फ दिख रहा है हर जगह, हर थोड़ी दूर पे, और जो हम देखना चाह रहे थे अब वो फाइनली वो जगह आ गया है। स्नोफॉल प्रेडिक्टेड है कल के लिए, लेकिन आज हमें पुरानी बर्फ दिख रही है। बाकी देखते हैं इस टूर पे और क्या क्या हम देखते हैं और क्या क्या आपको दिखाते हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है। ये देखो बीच में जो झरने भी आ रहे हैं साइड में, हालांकि ट्रैफिक है, दुकानें काफ़ी सारी हैं। अगर मैं इसको किन्नौर वैली या स्पीति वैली से कंपेयर करूँ तो वहाँ से दुकानें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वहाँ से ज़्यादा कमर्शियल है ये जगह, लेकिन हाँ फिर भी अब तो मज़ा आ रहा है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर में दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर नीचे था पहाड़ के नीचे, अब वो अचानक से ऊपर बढ़ता है, हाइट अटेंड करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और सर का दर्द जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है। तो मैं गाड़ी थोड़ी देर के लिए भी कहीं रोकूंगा, थोड़ा सा बाहर का फ्रेश एयर लेंगे, थोड़ी देर बाहर एक बार घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी नज़ारे शानदार हैं, मतलब बेहतर से बेहतरीन है, और बीच बीच में हमारे को बर्फ जो है जो सड़क के किनारे से, सड़क से जो सूरज के जो बर्फ साइड की गई है वो गल गल के सड़क पे आ रहा है, लेकिन शाम होने के कारण शायद वो अब धीरे धीरे वो ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे कोई जगह मिलेगी तो अभी गाड़ी रोकूंगा। ये इस पुल के नीचे बड़ा ही सुंदर सा एक जगह दिखा, खूब सारा स्नो पड़ा है यहाँ पे, ये देखो। तो मैं यहाँ पे उतर गया और यहाँ से एक बार थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या है फैशन के नीचे। देखते हैं बहुत तेज़ हवा चल रही है, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही हो, लेकिन देखो कितना सारा स्नो है यहाँ पे, भर भर के स्नो, भर भर के स्नो है। क्या मस्त जगह है यार, शानदार। हालांकि भीड़ बहुत है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम भी भीड़ का हिस्सा ही है, इन गाड़ियों में गाड़ी हमारी भी है, लेकिन हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, भरी हुई बर्फ है, खूब सारी बर्फ है और बहुत ही सुंदर नजारे हैं। फिलहाल हमने गाड़ी वापस घुमा ली है क्योंकि शाम काफ़ी हो गया है,
और आगे जाम जैसा दिख रहा है, लंबा जाम दिख रहा है, और उस जाम में फंसेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो बेटर रहेगा कि हम अपना एकोमोडेशन देखते हैं और कल सुबह वापस से एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा, अभी GPS पे हमने देखा काफ़ी लंबा जाम दिख रहा है, और मतलब जाम वैसा जो बिल्कुल सड़क बंद है, जहाँ ब्लॉक है। शायद यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है इसलिए लोग, इतने सारे लोग आते हैं। और इस जगह पे अभी हम पियेंगे चाय।